व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से 2 महीने पहले द्रौपदी मुर्मू हमारी जो प्रेसिडेंट है, उन्हें जामिया की नई वीसी की अपॉइंटमेंट कंफर्म करी थी शकील अहमद साहब। उन्हें आते ही अपना काम शुरू कर दिया। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा सामने से कोई अपडेट नहीं दे रही, लेकिन जामिया की वीसी ने ऑफिशियल से बात करी, एंटी ऑफिशियल से। अब न्यूज आर्टिकल झूठ बोल सकते हैं, बट जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वाइस चांसलर, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। इट इज अ सेपरेट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग है पूरा, मतलब सेम मादा रखते हैं। तो इनने ऑफिशियल से बात करी कि भाई हो क्या रहा है, कुछ हिसाब है? जो 22 जुलाई की डेट दी गई है, तुमने न्यूज चैनल्स में कुछ तुम्हारे ऑफिशियल्स ने बोला है, क्या वो ठीक है कि नहीं है? तो अब जामिया के वाइस चांसलर ने ऑफिशियल से बात करी, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है कि उनके अनुसार, मतलब जिन ऑफिशियल से उनने बात की, उन्होंने बताया कि 22 जुलाई की डेट का कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। रिजल्ट जो है वो आपकी लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक भी खिंच सकते हैं। मतलब ये ऑफिशियल अपडेट आई है, बिकॉज अब किसी न्यूज चैनल पर भरोसा करना करो, आप वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भरोसा कर सकते हो? उन्हें ऐसा क्यों किया, क्यों गए वो पूछने के लिए? बिकॉज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन रुके हुए हैं ना इसके सीयूटी की वजह से, वैसे ही जामिया के भी बहुत से कोर्सेज के एडमिशन रुके हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सीयूटी। इसलिए उन्हें ये सब पूरी बात वगैरह करी, कॉन्फ्रेंस एंड ऑल करा, तो उसमें उन्हें ये बताया, स्टेट किया कि भैया फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक भी खिंच सकता है आपका रिजल्ट। तो अभी और काफी डिले नजर आ रहा है। देखो अभी ऑफिशियल तो एनटीए कुछ बोलता ही नहीं है, 22 जुलाई भी उन्होंने ऑफिशियल नहीं बोला था, वो भी एक न्यूज चैनल नहीं बोला था, बट ये जो चीज है ये वाइस चांसलर ने बोल दिया। वो कोई हवा में तीर नहीं मारेंगे ना, उनको तो व्यूज नहीं चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो उनने कुछ ऑफिशियल खबर दी है। तो अभी न्यूज ये है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मान के चलते हैं, उन्होंने बोला खिंचने को तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक भी खिंच सकता है, एक्सपेक्टेड है, बट या और डिले हो गया। अब ये सोचो कि अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में आता है तो उसके बाद 1-1.5 महीना तो चलेगा प्रेफरेंस शीट और अलॉटमेंट वाला काम, तो आपके कॉलेज अब आई डोंट थिंक 1 सितंबर से भी शुरू हो पाएंगे, 15 सितंबर तक तो आराम से खींच गया। तो यार और डिले हो रहा है फिलहाल प्रोसेस में, तो लेट्स जस्ट सी क्या होता है। और मैं आप लोगों को एक और खबर दे दूं कि हमारा जो पर्सनल काउंसलिंग बैच है, यूट्यूब का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल पर्सनल काउंसलिंग बैच, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज है, आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। आपको उसमें मेंटोर की तरह मैं खुद पर्सनली आपका मेंटोरशिप करूंगा, गाइडेंस दूंगा, आपके कॉल्स तक रखी जाएंगी, जो भी डाउट जब भी आता है यूट्यूब पे 100 जगह पूछने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है पर्सनल काउंसलिंग के बच्चों के लिए, उस ग्रुप में आप जितने भी रिव्यूज, मतलब बच्चों से जो रिव्यू चाहिए होते हैं आप ले सकते हो, आप सब लोग इंटरेक्ट करते हैं, मतलब ऑलरेडी काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। तो आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो आइए इंस्टाग्राम पे 100 जगह कमेंट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, अच्छा वहां पर डायरेक्टली बच्चों से बात करो कि सबका क्या रिव्यू है, या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि भैया ये डाउट ऐसे है, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस शीट और बनवानी हो, अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो, मिक्सिंग में इशू आ रहा है, एल्गोरिथम नहीं समझ आ रहा, तो उसके लिए आप डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया, जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी रिजल्ट्स फिलहाल डिले है, तो यही सब काम हम कर सकते हैं कि हम प्रेफरेंस शीट और रिसर्च करें, बनवाएं या बनाए या डाउट्स पूछें, तो इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे डीएम करो और पूछो। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, तो क्या अभी नहीं कहूंगा, फॉर मेकिंग योर प्रेफरेंस, अच्छे से बनाओ ताकि एटलीस्ट जब रिजल्ट आए हम लोग तैयार बैठे। ओके बाय।